दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। किन्नौर जिला के ग्याबुंग स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में नौवां जनमंच सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल थे। जनमंच कार्यक्रम में ज्ञानकुल वैली के ग्याबुंग, सुन्नम सहित रोपा पंचायतों के ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी गयी। इस दौरान जल शक्ति विभाग के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें देखी गयी। इस दौरान अधिकांश मामले मौके पर ही निपटाए गए, कुछ मामले संबंधित विभाग को भेजे गए। इस दौरान पात्र महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना के अलावा एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत गिफ्ट एवं पौधे प्रदान किए गए। इसी तरह बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की 6 बेटियों को 12,500 प्रति परिवार को फिक्स डिपॉजिट प्रदान किया गया। और इससे पूर्व जितने भी जनमंच यहाँ पर आयोजित हुए और उनमें जो शिकायतें मिली हैं उनमें से तकरीबन जो है वो 92-93% जो शिकायतें हैं उनका निवारण किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ी बात है और एक ऐसा मंच जो है जो सरकार ने लोगों को प्राप्त करवाया है, जहाँ पर लोग जो है बिना किसी डर के अपनी बात, अपनी संवेदना, अपना दुख, अपना दर्द जो है उसको बयान कर सकते हैं और उसका समाधान जो है वो पा सकते हैं। आज यहाँ जो जनमंच आयोजित हुआ है और बहुत ही सुरम्य स्थान पर जो इसका आयोजन लगता था यहाँ स्कूल में, और मैं देख रहा था कि उपस्थिति भी बहुत अच्छी है। उसके ऊपर एक और बात जो मैंने यहाँ नोटिस की है कि कोविड से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उनका पालन जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ किया गया। लोगों में अवेयरनेस में देख रहा था बहुत ज्यादा है। मास्क का प्रयोग जो है आपने समझ नहीं किया हुआ, कुछ लोगों ने नाक के ऊपर रखना, लेकिन सामान्य जनता ने जो है ये मास्क का ठीक से प्रयोग जो है, हमारे यहाँ जितने भी लोग जिन्होंने अटेंड किया है वो मास्क का प्रयोग ढंग से उन्होंने नाक के ऊपर तक मास्क, मैंने प्रत्येक व्यक्ति के जो है वो ऐसा उसको प्रयोग करते हुए मैंने देखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो है यहाँ पर उसको फॉलो किया गया है बहुत स्ट्रिक्टली। आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है, ज्यादातर समस्याएं जो है वो आईपीएस विभाग को लेकर के पूरे प्रदेश में जहां भी जनमंच आयोजन होते हैं, इससे पूर्व भी अनेक जनमंच कार्यक्रम मुझे जाने का मौका मिला है, तो ये आम अनुभव है कि आईपीएस से संबंधित जो है वो मांगे ज्यादा आती हैं। तो मैं ये इसमें कहना चाहूंगा कि हमने तुरंत विभाग को जो है वो दिशा निर्देश दिए हैं कि समस्या जो है वो पानी की नहीं है, कि पानी उपलब्ध नहीं है, पानी है लेकिन समस्या जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।